दोस्तों यूं तो अक्सर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की शादियों में हमें प्यार की एक अलग मिसाल देखने को मिलती है, जिसमें वह कभी अपने से बड़े उम्र के पार्टनर से या छोटे उम्र के या फिर अपने रंग के अपोजिट दिखने वाले पार्टनर से शादी कर लेते हैं, जिस वजह से इनके प्यार की मिसालें दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी है जिन्होंने पैसों की वजह से अपने से बड़े और भद्दे दिखने वाले पार्टनर के साथ शादी की है। तो चलिए जानते हैं इन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने पैसों की वजह से लाइफ पार्टनर को चुना। नंबर 1, जूही चावला। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हसमुख अदाकारा जूही चावला ने पैसों के लिए बिजनेसमैन जैन मेहता से शादी की है, जो दिखने में उम्र में काफी ज्यादा बड़े लगते हैं और जूही चावला इनके सामने आधी उम्र की लगती है। इसके बावजूद भी इन्होंने पैसों की वजह से जैन मेहता से शादी की है। नंबर 2, भाग्यश्री। 1984 में आई फिल्म मैंने प्यार किया फिल्म से लोकप्रियता हासिल करने वाली भाग्यश्री ने हिमालय दसानी से शादी की है, जो प्रोफेशन से एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिस वजह से अभिनेत्री ने इनसे शादी की है और दोनों की जोड़ी साथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नंबर 3, करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जो अपनी नीली नीली आंखों से सबका दिल मोह लेती है, इन्होंने पैसों की वजह से अभिषेक बच्चन को छोड़कर साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी, लेकिन इन्होंने साल 2016 में इनसे तलाक ले लिया। नंबर 4, ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की टॉप लिस्टेड अभिनेत्रियों में से गिनी जाने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की है। हालांकि इनके पास इतनी दौलत तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इनसे शादी की है। नंबर 5, आयशा जुल्का। खिलाड़ी और बलमा जैसी फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का भी इस लिस्ट का हिस्सा है। इन्होंने भी पैसों की वजह से बिजनेसमैन समीर वासी से शादी की, ताकि यह अपनी बाकी की जिंदगी ऐसो आराम के साथ गुजार सके। तो दोस्तों, आपका इन अभिनेत्रियों की शादी के बारे में क्या कहना है और आपको इनमें से किस अभिनेत्री की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।